हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पीसीसी। पीसीसी मींस पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले हम आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम बता दें। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ऐसा रिएजेंट जो खुद को क्या करता हो, रिड्यूस करता हो, और जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसे क्या करे, वो ऑक्सीडाइज कराता हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम दिखाते हैं आपको कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। जैसे अगर हम CH4 ले लें, तो CH4 से दो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ पे आपका CH3 हुआ, यानी कि ये इसको ऑक्सीडेशन कराया गया है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कराया गया। तो CH4 जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालें तो -4 होगा इस कार्बन का, और इस कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। फर्दर ये ऑक्सीडाइज कराइए तो देखिए यहाँ पे HCWH यहाँ पे क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, और यहाँ पे इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। फर्दर जो है ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, इस केस में जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। ठीक है ना, यानी कि -4 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और जो भी रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उसका क्या होगा, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव एजेंट यूज किए हैं, ऑक्सीडेटिव एजेंट जो यूज करेंगे उसका हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले बता दें कि अगर RCH2OH यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल को जो है अगर हम जो है क्या करा दें, ऑक्सीडाइज करा दें, तो ये आपका बनेगा RCH2COOH एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि RCH2OH में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अल्कोहल का क्या है, और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ऑक्सीडेशन के बाद उसका प्रोडक्ट क्या है, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ देखिए अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, इस केस में इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन जुड़ने से देखिए यहाँ पे एच और एच, ठीक है, इसका +1 तो यहाँ पे -1, इसका इधर +1 तो यहाँ पे -1, यानी -1 और -1 -2 हो गया। और यहाँ पे क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है -2 है, तो ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ -2 तो यहाँ पे +1। ठीक है ना, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, -1 इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, यहाँ एल्डिहाइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन जो है नॉन पोलर बॉन्ड, और यहाँ पे CH है, और इधर से जो है दो -2 तो इधर कार्बन का +2, और इधर जो है -1 तो यहाँ +1। ठीक है ना, -1 और +1 कैंसिल, यहाँ पे +1 बचा। ठीक है ना, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया था, इसका ऑक्सीडेशन -1 आया था, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा है, यानी -1 से 0, 0 से +1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये रिलीज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +1 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो उस केस में यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, यानी कि ऐसा क्या रिएजेंट हम कौन सा ग्रुप यूज कर रहे हैं, जो भी ग्रुप यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, RCH2OH की बात करें, तो ये हमारा फॉर्म करेगा RCOOH फॉर्म करेगा। ठीक है ना, अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, तो ये ऑक्सीडाइज होके आपका बनाएगा RCOOR कीटोन ग्रुप बनाएगा। ठीक है ना, अब बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या यूज करना है, ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट कौन सा यूज करना है। तो आज हम पढ़ेंगे पीसीसी के बारे में, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, देखिए ये पिरिडिनियम है, जैसे हम ये पिरिडिनियम इसको क्यों बोल रहे हैं, जैसे देखिए अमोनिया NH3 होता है, एक हाइड्रोजन ऐड होने के बाद, हाइड्रोजन प्लस ऐड होने के बाद NH4+ बनाता है ना, अमोनिया है तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। वैसे पिरिडीन है, पिरिडीन, यहाँ पिरिडीन
बोल रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन ऐड होने के बाद प्लस चार्ज आ रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो रही है, एक बढ़ जा रही है, तीन होनी चाहिए तो चार हो जा रही है नाइट्रोजन की वैलेंसी, इसलिए इसको क्या पिरिडिनियम बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे क्लोरोक्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो है कैसे जो है अल्कोहल को जो है ऑक्सीडाइज करता है, ये हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका पीसीसी का फॉर्मेशन देख लेते हैं, यानी कि पीसीसी का जो है हम सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या हम यूज कर रहे हैं पीसीसी बनाने के लिए, तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन के पास लोन पर अप इलेक्ट्रॉन है और एसिड लिया गया है, एसिड क्या कर रहा है यहाँ से एच प्लस डोनेट कर रहा है और ये जो है एच प्लस लेकर क्या कर रहा है प्रोटोनेट हो जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही प्रोटोनेट हो रहा है सी एल यहाँ पे अटैक कर रहा है इस, ये प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब प्रोटोनेशन हुआ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे तीन बॉन्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो इस क्रोमियम की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी और सी एल माइनस यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा क्रोमिक एसिड बन रहा है यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट एक मिनट देखें, अब जो है क्रोमिक एसिड बन गया, फिर क्या हो रहा है पिरिडिनियम यहाँ के बेस का काम कर रहा है, यहाँ पे बेस क्या करता है कि यस प्लस को एक्सेप्ट करेगा, यस प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए निगेटिव चार्ज आ गया और पिरिडिनियम बन गया, ऐसे जो है प्रिपरेशन करेंगे पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का। नेक्स्ट देखिए इसका रिएक्शन देखिए, पीसीसी का यूज कर रहे हैं हम, ये आपका पीसीसी हो गया, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट हो गया और बेंजाइल अल्कोहल, देखिए बेंजाइल अल्कोहल है, एक कार्बन से एक ओए जुड़ा है, वन डिग्री अल्कोहल है, किस में कन्वर्जन होगा इसका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब देखिए टू ब्यूटेनॉल लिया गया यानी टू डिग्री अल्कोहल है, टू डिग्री अल्कोहल को पीसीसी किन में कन्वर्ट करेगा, एसीटोन में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, ठीक है ना, एसीटोन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वन डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, टू डिग्री अल्कोहल कीटोन, यही आपको देखना है कि पीसीसी एक काम कर रहा है कि वन डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ देखिए ऊपर हम जो है फॉर्मूले के साथ दिखाए हुए हैं पीसीसी को, लेकिन नीचे वाले रिएक्शन सेम रिएक्शन है, यहाँ पे वन डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन पीसीसी फॉर्म में लिखा हुआ है, पीसीसी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या तो रिएक्शन में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे पीसीसी लिख कर दे रखा है, पीसीसी लिख कर दे रखा है, या तो सीधे आपका स्ट्रक्चर बना देगा कि पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का, ठीक है ना। अब देखिए आइए इसके मैकेनिज्म जानते हैं कि कैसे जो है पीसीसी जो है रिएक्ट करता है अल्कोहल पे, कैसे पीसीसी जो है अल्कोहल पे रिएक्ट करता है। तो देखिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये क्लोरोक्रोमेट है, ठीक है, और क्लोरोक्रोमेट देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ पे सीआर पे क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन माइनस, ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे सीआर पे है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सीआर पे अटैक करेगा, जैसे सीआर पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट के यहाँ पे ओ माइनस बना रहा है, देखिए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो ओ एच यहाँ से रिएक्ट किया है तो ये न्यूट्रल फॉर्म में है, एच ओ निगेटिव फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या होगा एच प्लस आ जाएगा, एच प्लस क्या करेगा ये रिमूव करेगा, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज जो है फिर से वापस आएगा और सी एल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब सी एल देखिए यहाँ से रिमूव जब हो रहा है, सी एल रिमूव हो गया, यहाँ से सी एल रिमूव हो रहा है, ठीक है ना, तो सी एल जो रिमूव हुआ है वो क्या होगा कि इस जो ओ एच ग्रुप था यहाँ पे उसके बगल में, देखिए ऑक्सीडेशन होने के लिए मस्ट होना चाहिए कि यहाँ पे ओ एच ग्रुप के बगल में एच होना चाहिए जरूर, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए सी एल माइनस क्या करेगा, यहाँ से एच प्लस निकालेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक एसिडिक प्रोटॉन का होना जरूरी है, एच प्लस निकालेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये टूट जाएगा, देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ से आपका जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया ये बॉन्ड अलग हो गया, ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया आपका,
ये देखिए, अब यहाँ पे एक सिंबल ये जो बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक सिंबल है क्रोमियम जो है फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और लिया क्या गया था, क्रोमियम को किस ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया गया था, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप -2 इधर से, -2 इधर से इसका, तो +4, और यहाँ से -+1 +1, और यहाँ से +1, तो +1। यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिया गया है वो कितना है, +6 है, और +6 से ये कहाँ पे पहुँच रहा है, +4 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अब देखिए इसमें, इस मॉलिक्यूल में कार्बन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, ठीक है, तो ये H+1+1, तो यहाँ -2, और इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो -1 इधर से, तो +1, -2+1, क्या होगा, -1 होगा इसका, ठीक है ना। और प्रोडक्ट का देखें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, तो -2 इधर +2, और यहाँ पे +1 और -1, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका +1 होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 से +1 जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि अगर हम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ पे +6 है, +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और दूसरे को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, कौन, PCC, और 2 डिग्री अल्कोहल लिया गया है तो कीटोन में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है ना। अब एक और ये मैं वन ये जो है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये सब्सट्रेट नोट कर लीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल है, और इस पर ट्राई करिए, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये भी सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हाँ ये सब्सट्रेट देखिए बहुत ही देखने में बहुत ही बल्कि सब्सट्रेट, बड़ा सब्सट्रेट है, लेकिन क्या करना है हमको, PCC देखना है, और PCC क्या कर रहा है, PCC का काम याद करना है, PCC क्या करता है, पिटिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं, इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल पर सिंपल से क्या करना है, कीटोन में कन्वर्ट कर देना, यही आपका प्रोडक्ट होगा। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल जो है फिर से PCC, और PCC के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है, यहाँ CH2Cl2 लिया गया है, डाइक्लोरो मेथेन है ये, याद रहे, अगर DMF दे दे, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड दे दे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये एसिड बना सकता है, यानी कि एल्डिहाइड ना बन के सीधे क्या बन जाएगा, एसिड बना लेगा, क्योंकि DMF जो होता है वो मॉइस्चर कंटेनिंग होता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, PCC का यूज़ करके हमारा ये प्रोडक्ट मिल रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन PCC अगर बफर सोल्यूशन के साथ है, क्या हो रहा है, हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है ना, एल्डिहाइड बन रहा है। क्या होता है कि PCC कभी कभी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, तो उस एबनॉर्मल बिहेवियर को दूर करने के लिए हम बफर लिया जाए, बफर सोल्यूशन लेते हैं, बफर सोल्यूशन ऐड करने से क्या होता है, और फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे PCC जो लिया गया है ये कैसे काम करेगा, कि पहले ये रिएक्शन जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये बनाया यहाँ से डबल बॉन्ड फिर H, ठीक है, उसके बाद से ये क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड इस पर रिएक्ट कर देगा और एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड यहाँ से रिएक्ट करेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर इलिमिनेशन रिएक्शन होकर फिर से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक, इस साइकिल यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से PCC ना रिएक्ट करें, इसके लिए बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बफर सोल्यूशन यूज़ करने पे क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल फिर से क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए PCC 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ PCC 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए ये आपको आपके लिए होमवर्क है, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, सबसे पहले PCC रिएक्ट करेगा, PCC रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये 1 डिग्री
अल्कोहल बनाएगा। उसके बाद से यहाँ ग्रिगनार रिएजेंट एक्ट रिएक्ट करेगा, ग्रिगनार रिएजेंट CH3MgBr, ये क्या करेगा, ग्रिगनार यहाँ से CH3- रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन और एमजी में क्या होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये अधिक होता है एमजी से, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। इस पर निगेटिव आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ इस कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन सेंटर है। अब ये मूव कर जाए ओ माइनस, यहाँ से ये बनेगा हमारा ओ माइनस और फिर CH3H, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से OH हो जाएगा, का 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करा सकते हैं एसिड में। अभी पीसीसी का वर्क हमने देखा है, पीसीसी क्या कर रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसके जगह हम पीसीसी का जगह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, जैसे Na2Cr2O7S2SO4, S2CrO4, CrO3, ये आपका जॉन्स रिएजेंट है। जॉन्स रिएजेंट यहाँ पे इन तीनों का रिएजेंट यूज कर सकते हैं, Kemno4 OH इन द प्रेजेंस ऑफ OH- एंड H+, ठीक है। कैम इसको भी यूज करेंगे तो एसिड बनाएगा, और NCLO एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ACUH, ये रिएजेंट यूज करने पे क्या हो रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे जॉन्स रिएजेंट के बारे में, देखेंगे कि हाँ ये 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड तो बनाता है, लेकिन वहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं H2O, ठीक है ना, H2O सॉल्वेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दो हाइड्रोजन होता है, एक पहला हाइड्रोजन यूज होता है, बेस क्या करता है, रिमूव करता है, फिर दूसरे बार क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे प्रोडक्ट बनता है इसे रिएक्ट कर लेता है, फिर यहाँ से H+ एक बार और रिमूव हो जाता है। दो बार रिमूव होने के बाद क्या होता है, हमारा एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही H है, इसलिए एक ही बार क्या होगा, इस कीटोन में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, यानी PCC हो गया, PDC हो गया, पिरिडीनियम डाइक्लोमेन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन DMSO होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और ऑक्सैलिल क्लोराइड लेते हैं, बेस लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये एल्डिहाइड में आता है, ये सारा जो है क्या कर रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना रहा है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये ऑक्सीडेशन इसका नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जो भी प्रोसेस आपका मैकेनिज्म होगा सेम प्रोसेस से होगा। देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो क्या होता कि जो Cl- रिमूव कर रहा था यहाँ से H+ निकाल लेता, ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन निकालता, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि H+ ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, H+ सही होता है, ठीक। ये आपका वीडियो है और इसमें PCC के ढेर सारे आपने रिएक्शन देखे, और देखिए आपको PCC ना ऐसे भी दे सकता है कि CrO3 प्रिडीनियम HCl इन तीनों का यूज करके जो है डायरेक्ट फॉर्मेशन करना है पहले PCC का, उसके बाद से जो है आपको इस पर रिएक्ट करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट PCC इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एंड ये 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड बना रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।